हम हमारी मनोकामना थी चार धाम यात्रा की, मगर वो नामुमकिन जैसे लगता है, क्योंकि उसकी यात्रा है ना एकदम टफ है और बहुत दिक्कत वाली है, बहुत आफत आती है, कभी कभी एटमॉस्फेयर कहीं भी चेंज हो जाता है, इसकी वजह से हमको नामुमकिन लगता था। मगर उसमें से हमको सुषमा जी का कांटेक्ट हुआ और उसकी वजह से हमारी चार धाम की यात्रा निर्विघ्न। हमारा कांटेक्ट कैसे हुआ? फेसबुक पे निर्विघ्न हमारा कांटेक्ट हुआ और फिर उससे बात हुई और उसने समझाया कि हम जाते हैं सीनियर सिटीजन को लेकर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम उससे सबके साथ चले गए। लेकिन वो सब यात्रा हमारी एकदम सुखरूप और बहुत अच्छी तरह से हुई और हम बहुत खुश हैं। अभी हमको केदारनाथ का अच्छी तरह से पूजा भी कराई और दर्शन भी कराया, कितना भी दिन लगे, मगर जब तक दर्शन नहीं होते हैं तब वो वेट करते हैं। हमको दो दिन रुकना पड़ा, मगर हमको केदारनाथ का जो दर्शन थे वो चारों धाम का, केदारनाथ और चार धाम का पूरा का पूरा हमको दर्शन करा के ही हमको यात्रा पूर्ण की। और हमारी यात्रा बहुत अच्छी तरह से एकदम सुखद रूप हुई है और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से अब एकदम आनंद में है। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं कि चलो अभी हरिद्वार जाएंगे और त्रियुगी नारायण का मंदिर का दर्शन है वो भी करवाएंगे अच्छी तरह से। और सब लोग इतने खुश हैं कि अभी सभी के मन में कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही है अभी।